ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एचआरटीसी निगम कर्मचारियों ने सरकार से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज कर दिया है। लंबे समय से एचआरटीसी निगम कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी किए जाने पर काले पिल्ले लगाकर और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमीरपुर एचआरटीसी वर्कशॉप के बाहर भी दर्जनों एचआरटीसी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की मांगों की ओर जल्द ध्यान दिया जाए। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर दी है। मांगे न मानने पर कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। एचआरटीसी कार्यालय के बाहर निगम कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान संगठन के नेताओं द्वारा संबोधित भी किया गया। खुले मंच से निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी। उन्होंने काले बिल्ले लगाकर विरोध आरम्भ कर दिया है। कर्मचारियों ने कार्यालय गेट पर मीटिंग करके परिवहन निगम प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। गेट पर तकनीकी कर्मचारियों नेताओं द्वारा संबोधित किया गया। प्रधान रोशनलाल तथा सुशील कुमार मंडलीय अध्यक्ष ने निगम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन कार्यशाला कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उक्त नेताओं ने परिवहन मंत्री व मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कार्यशाला कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों को शीघ्र पूरा करें। मांगों में कार्यशाला कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र की जाए, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया जाए, पीस मील कर्मचारियों को शीघ्र पक्का किया जाए। कोई नहीं है, अभी तो हमने एक अपने विरोध प्रकट कर रहे हैं, गेट मीटिंग कर रहे हैं आज से, और काले बिल्ले लगाकर हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम में कर्मशाला कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे पीस मेल कर्मचारी भाई कोई 8 साल से यहाँ काम कर रहा है, कोई 7 साल से यहाँ काम कर रहा है, बाकी रेगुलर स्टाफ जो है कर्मशाला बूढ़ी हो चुकी है, कोई 55 साल का है, कोई 56 साल का है, रेगुलर स्टाफ हमारे पास बहुत ही कम रहा है। हमारी मेन मांगें सभी जितनी भी कैटेगरी हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्य कर रही हैं इस वक्त, सबके R&B रूल्स संशोधित हो चुके हैं। सिर्फ कर्मशाला कर्मचारियों का जो है R&P रूल संशोधित नहीं हुए, प्रमोशन पे हमारी इस निकम्मी मैनेजमेंट ने पूरी तरह कर्मशाला कर्मचारियों के ऊपर बैन लगा के रखा है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं। गाड़ियां देखो 3000 से ऊपर गाड़ियां हो गई हैं, तो नई रिक्रूटमेंट कोई नहीं की जा रही है, और कर्मशाला कर्मचारियों का विशेषकर शोषण किया जा रहा है। मैं माननीय परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि इन कर्मशाला कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब हम शुरू शुरू में लगे थे तो कहा जाता था कि कर्मशाला जो है HRTC की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कुछ गलत निर्णयों से और मैनेजमेंट की गलत नीतियों से आज जो HRTC की रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है, और इसके बिना जो है हमारा गाड़ियों का संचालन जो है सही तरीके से कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। हाल हो गए हैं और हमारा अनुबंध नहीं कर रहे, और हम चाहते हैं कि हमारी तरह जो हमारे भाई हैं उनका भी अनुबंध हो, जिनका टाइम पूरा हो चुका है। ऐसे तो जैसे अंधकार में इस टाइम कोई नीति नहीं है, पहले भी हुए हैं 6 साल के बाद और हमको नहीं कर रहे। हमारे 3-3 साल ऊपर हो गए हैं, 6 साल से भी ऊपर 8-9 साल हो गए हमको, और हमारा अनुबंध नहीं कर रहे। हमारी तरह और भाई हैं जिनका भी टाइम पूरा हो चुका है, उनको मैंने कर रहे हैं। से पहले की नीति थी ना, जैसे उन्होंने बनाया था कि 6 साल का है ना, तो उस हिसाब से हमको नहीं कुछ भी दिया कि हमारा भी अनुबंध हो। धरना इसलिए ही, हमें 8 साल हो चुके हैं काम करते हुए और ये हमें अनुबंध पे नहीं ले रहे हैं। हमसे पहले भी इन्होंने नीति बनाई 5 साल की 6 साल की, 5 साल ITI वाले, 6 साल नॉन ITI वाले, उससे ऊपर हमें पीड़ हो चुका है और ये हमें अनुबंध पे नहीं ले रहे हैं। सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि हमें अनुबंध पे लिया जाए और रेगुलर किया जाए।